और उनके चेहरे को मैंने मंत्रों से शुद्ध करने की कोशिश की है, और ये एक उन्माद है, भगवान की हवा चलती है। और मैं सवाल आपसे करता हूँ, ये जो है गूगल व्यू ऑफ मंत्र है, सच में तुम्हारा कुछ नहीं है, जो है खुदा का है। तो पांचों को ये ब्रह्म लिपि मेरे कंप्यूटर पे क्रिएट किया, 4 साल लगे मुझे करने, ये विश्व में कहीं नहीं रिकॉर्ड। तो ये अपने देश में सबसे पुरानी लिपि है, उसकी कल्पना की, उसको फिर सोचा, उसको टीचर से सीखा, उस साधुओं से सीखा। एक साधु ऐसे हैं, उन्होंने बोला रात में 3 बजे आना। ओके। तो एक बार टेस्टिंग में जैसे बोला अपना अंगूठा दे सकते हो क्या, इट इज लाइक दैट। तो मैं रात के 3 बजे उनके पास जाता था, और वो ऐसा साधु है, लाइट बिजली पंखा किसी में नहीं रहता है, फुल म्यूट रहता है, सोया रहता है, दिगंबर से। तो फिर मैंने बोला ठीक, उनके वो उनके अंदर में 40 साधु हैं, ही इज द प्राइम, एंड ही सेड 3 o'clock, एंड आई विजिटेड मोर देन 20 times टू हिम टू अंडरस्टैंड दिस। और इन डार्क में ही ऐसे सीख सीख के मैंने सीखा उनसे, उनके हैंड रिटन्स भी हैं मेरे पास, डॉक्यूमेंटेशन है। तो मैंने ब्रह्मी लिपि को क्रिएट किया। अब देखो ये जो लिखा है, ये 15,000 साल पुरानी लिपि है, और ये आज की लिपि है जो तुम पढ़ सकते हो, है ना। तो इन दोनों का अगर तुम मैच करो तो तुम भी इसको पढ़ सकते हो। तो मेरे नॉलेज को मैंने तुम्हारे में डाल दिया। अगर तुम लेटर पैड ले लो, इस 5 लाइन को लिख लो और आज के लैंग्वेज में लिख लो, तो यू विल लर्न दिस लैंग्वेज इन 5 मिनट्स। सो माई नॉलेज गोज टू यू एज ए पीस ऑफ आर्ट। तो इट इज ए वेरी बिग एजुकेशन विच आई एम गिविंग एज ए आर्ट टू द वर्ल्ड। 19 लैंग्वेज की मदर ये है, जिससे ये लैंग्वेज बने, तमिल तेलुगु मलयालम, किसी की मदर ही हमको पता नहीं, नहीं पता। तो ये हम चाहते हैं कि दुनिया को ये पता लगे, ये सब चीजें जो है इजिली जो है अवेलेबल है, बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द थिंग, वी हैव टू कंसर्न अबाउट दिस थिंग, बिकॉज दिस इज मदर लैंड ऑफ माइन, राइट, इट्स मदर लैंड ऑफ माइन। MAMO इतने अच्छे का निर्माण किया मैंने, ए मतलब बीजा, बीजा रोपण जब होता है, तुम चावल अनाज धान कुछ भी खाते हो वो तुम नहीं बना सकते हो, हाँ पल्सेस इतने हैं जो भी है वो ऊपर वाला बना के तुमको देता है, और तुम उसके वेरिएशंस करके खाते। तो मैंने भगवान के बीजा रोपण की बात सोची है, तो मैंने 4 साल लेके इस अक्षर को सोच ली मेरे स्क्रिबल से। तो ये जो है अनाज जो तुम ऐसे चावल होता है ना, एक एक दाने तुम पानी में डालते हो, रखते हो पानी में, डीप में रहते, फिर वो बड़ा होता है, फिर 3 महीने रहता है। तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो मंत्रों का बीजा रोपण है, चावल अनाज फ्रूट जो भी तुम खाते हो। मैंने 19 में बनाया था कॉपीराइट, अब मैंने उसका एक ब्रह्मांड बनाया। गौर से जब देखा तो अरिहंत सिद्ध साहु मंत्र है, मैं इसको अगर जैन नहीं बोलता हूँ तो अग्नि पावन गगन समीरा है ना, 5 वर्ड ब्रह्मांड के हम उसको बोल रहे हैं। और हम लोग जो इम्प्योर लोग हैं, वी आर नॉट प्योर, वी आर इम्प्योर, तो हम लोग जो हैं बाहर इनके मैग्नेटिक पावर से टंगे हुए हैं, वी आर नॉट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सिर्फ शिव है, उनके मैग्नेटिक पावर से तुम बाहर टंगे हुए हो, गुमान मत करना कि तुम्हारा ये है वो है, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ये भी लाखों मंत्र लिखे हैं, इसमें लिखा है पिपिंग ब्रह्मी, वी आर बीइंग वॉच्ड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ सोसाइटी, और भगवान के मंत्रों के इसके बीच में से मंत्र आपको देख रहे हैं, अगर तुम कुछ गलत करते हो तो तुमको स्टॉप करता है, तुमको प्योरिटी की तरफ ले जाना चाहता है। तो मंत्र हर जगह है, वो तुमको देख रहा है, तुमको पता नहीं है, भूल से गलत करते हो रोकते। ये मैंने उसी मंत्रों का चद्दर बनाया है, मुझे लगेगा शिल्पा को ठंडी नहीं लगे, कवर कर रहा है। सेम थिंग इज हियर, भगवान का ये चद्दर है, इसका नाम है यूनिवर्सल कैप। जो यूनिवर्स है, जो यूनिवर्स है उसके ऊपर कैप है, तो पूरे ब्रह्मांड को ठंडी गर्मी नहीं लगे वो भगवान देखता है। पूरा ब्रह्मांड जो है मंत्रों का है,
संचार हो रहा है, आप सामने बैठो और उसका आनंद लो। दैट इज दैट। ऐसे दो मिनट बैठे ऐसा लगता अंदर घुस रहे हैं। अरे अभी मैं ये बहुत पावरफुल लग रहा है, बैठो तो शायद 100% हो जाऊंगी। यहाँ पे मैंने महासेवन, जानते हैं आप महासेवन कौन है? देव पंथ के सबसे बड़े साधन है। मैंने इनको शुद्ध करने की कोशिश की। जैसे तुमको चोट लगेगी तो खून आएगा, उनको चोट लगेगी तो मंत्र आएगा। मतलब इतने प्योर हो चुके हैं, ऐसी सोच है। तो मंत्रों से 3.5 लाख से ज्यादा गुजरातों में नमो देवता ने लिखा है इसको। और ये जो है सफेद में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, आंख का एरिया खुला है, जहां सिद्धि दृष्टि तुमको मिल रही है पॉजिटिवनेस के। और ये समाज है, मानो कांदिवली समाज है, तो मैंने समाज माना है स्क्वायर को। और ये निकल रहा है। तो माँ फर्स्ट टीचर है लाइफ के। तो मैंने हर एक यूनिट एक तंत्र मंत्र है, मंत्र भरा है। बगल में नमोकार मंत्र का बीज है, मीनिंग है ये भगवान का चतर है। तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो बीजारोपण है मंत्र। मन हुआ कि तुम जिंदा कब से निकल आओ और मैं तुमसे मिल लूँ। आई अचीव माई थिंग, जो मुझे था कि मैं चूम लूँ, मैं नज़र मिला लूँ और मिल लूँ, तुम बाहर आ जाओ कब्र से। तो ये 8वां आश्चर्य है विश्व का जो ऐसा कुछ हुआ।